दोस्तों, एक वक्त था जब डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट और पीएम की एज का कंपैरिजन किया गया। आज भी इसकी नरमी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि भाई सरकार इकोनॉमी और संभाल नहीं पा रही। साल की शुरुआत में ही डॉलर के मुकाबले रुपया 1% से ज्यादा गिर चुका है। 19 जनवरी को ये 83.14 के नीचे चला गया। हालांकि कई बार ऐसा हो भी चुका है। 75 सालों में पहली बार 19 अक्टूबर 2022 को रुपया 83 के नीचे गया था। तब एक डॉलर की कीमत तकरीबन 83.26 रुपए तक पहुंच गई थी। ये इसका अब तक का सबसे निचला लेवल था। तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना ये था कि रुपया दूसरी कई करेंसीज के कंपैरिजन में बेहतर कंडीशन में है। रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, बल्कि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। लेकिन क्या सच में डॉलर मजबूत हो रहा है या रुपया कमजोर, या फिर दोनों एक ही बात है जिसे घुमा फिरा कर कहा जा रहा है। चलिए देखते हैं कि रुपये से जुड़ी ये पूरी तस्वीर कैसी है, इससे भारत पर क्या असर पड़ सकता है, अगर ऐसे ही रुपया कमजोर होता रहा तो क्या होगा और हम रुपये को कैसे संभाल सकते हैं। आइए पहले देख लेते हैं डॉलर के मुकाबले बाकी करेंसीज की क्या हालत है। सबसे पहले डॉलर वर्सेस करेंसी। देखिए, करेंसी की वैल्यू से किसी भी देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का पता चलता है। अभी दुनिया में 80% से ज्यादा ट्रेड डॉलर में हो रहा है। तमाम देशों के सेंट्रल बैंक जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रखते हैं, उसका करीब 65% हिस्सा डॉलर में है। और यही है डॉलर की ताकत। और इस डॉलर के सामने रुपया ही नहीं, लगभग हर करेंसी कमजोर हो रही है। रुपया अगर इस साल अब तक 1% से ज्यादा गिरा है, तो जापानी येन पिछले 20 दिनों में 148 के नीचे जा चुका है। डॉलर के मुकाबले इंडोनेशिया का रुपया लगभग 15,597, सिंगापुर डॉलर 1.34 और हांगकांग डॉलर 7.82 तक चला गया है। साउथ कोरियन वॉन 38.87 और ब्रिटिश पाउंड 0.1% तक गिरे हैं। यूरो भी इस साल अब तक 0.2% तक गिर चुका है। चाइनीज रेनमिनबी की वैल्यू भी 0.3% घट चुकी है। हालांकि कई करेंसीज में काफी कम गिरावट दिख रही है। खैर, ये तो थी डॉलर के मुकाबले बाकी करेंसीज की नरमी की बात। लेकिन सवाल तो ये है कि भाई भारतीय रुपये के कंपैरिजन में डॉलर के मजबूत होने के पीछे बेसिक रीजन क्या है? व्हाई डॉलर इज राइजिंग? देखिए, यूक्रेन युद्ध के चलते पूरा यूरोप बेहाल है। रूस से सप्लाई रुकने के बाद नेचुरल गैस के दाम उछल गए हैं। जर्मनी से लेकर फ्रांस, ब्रिटेन और तुर्की तक में महंगाई आसमान छू रही है। और जैसा कि हम बता भी चुके हैं कि ज्यादातर ट्रेड डॉलर में होता है, तो महंगाई की वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ने की वजह से उसकी कीमत, इसलिए डॉलर को खरीदने के लिए ज्यादा रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। ऐसे में रुपये की कीमत कम हो रही है या रुपया कमजोर हो रहा है? इसका एक और फैक्टर है अमेरिका में ब्याज दरों में इजाफे का। अमेरिका में महंगाई आसमान पर है। उस पर काबू पाने के लिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दर को बढ़ा रहा है। 2023 में पॉलिसी रेट कई प्रतिशत तक बढ़ गए थे। इसका असर ये हुआ कि भाई उन प्रोडक्ट से कमाई बढ़ गई जो डॉलर का यूज करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है अमेरिकी सरकारी बॉन्ड। बॉन्ड सरकार और कंपनियों के लिए पैसे उधार लेने का एक तरीका होता है, जिसके तहत फ्यूचर में एक इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस करने का वादा किया जाता है। सरकारी बॉन्ड आमतौर पर सेफ माने जाते हैं। हाल ही के दिनों में निवेशक लाखों डॉलर खर्च कर अमेरिकी बॉन्ड खरीद रहे हैं। उन्हें इन बॉन्ड्स को खरीदने के लिए डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं और बढ़ती हुई डिमांड के कारण डॉलर की कीमत बढ़ी है। अब जब इन्वेस्टर डॉलर खरीदने के लिए दूसरी करेंसीज का इस्तेमाल करते हैं, तो उन करेंसीज की कीमत गिर जाती है। अमेरिका में महंगाई दर में बढ़ोतरी से मार्च 2024 तक ब्याज दरें घटने की कोई उम्मीद नहीं है। इसके अलावा अमेरिका में कर्ज महंगा होने से वहां की ग्रोथ सुस्त हो गई है और इसका असर बड़ी टेक कंपनियों पर पड़ रहा है, क्योंकि भारतीय टेक कंपनियों के करीब 40% कमाई अमेरिका से ही तो होती है। लिहाजा इसका असर इन कंपनियों के ग्रोथ पर भी होगा। अब भारतीय टेक कंपनियों की कमाई घटने से जॉब पर रिस्क पैदा होगा और छंटनी की आशंका बढ़ जाएगी। वैसे ही आईटी सेक्टर अभी चुनौतियों से जूझ रहा है। इतना ही नहीं, शेयर बाजार में लिस्टेड फॉरेन कंपनीज के अलावा भारतीय टेक्नोलॉजी कंपनीज के शेयरों में भी गिरावट आई है, जिसकी वजह से विदेशी इन्वेस्टर दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स और भारत से पैसा निकालने लगे हैं। पिछले साल अक्टूबर से ये सिलसिला चल रहा है, क्योंकि अमेरिका में उन्हें रिस्क फ्री बेहतर रिटर्न जो दिख रहा है। इस निकासी से भी रुपये पर दबाव पड़ा है, क्योंकि वे रुपये के बदले डॉलर खरीद रहे हैं, यानी डॉलर की डिमांड इस तरह भी बढ़ रही है। इकोनॉमी से जुड़ा रिस्क जब भी बढ़ता है, इन्वेस्टर्स सेफ माने जाने वाले डॉलर की ओर ही भागते हैं। नाउ, व्हाट इज द रोल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन रुपीस वीकनेस? देखिए, रुपये की कमजोरी और डॉलर की मजबूती में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को भी बड़ा रोल माना जाता है। इसके पीछे भी एक फैक्टर है। ये फैक्टर है भारत का बढ़ता करंट अकाउंट
डेफिसिट। आरबीआई के डेटा के मुताबिक 2022-23 में 67 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट रहा, जो भारत की जीडीपी का 2.1% था, जबकि 2021-22 में चालू खाता घाटा 38.7 बिलियन डॉलर का था। हालांकि वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट कम होकर 9.2 बिलियन डॉलर का रहा, जो कि जीडीपी का 1% है। अब इसकी वजह है सर्विसेज एक्सपोर्ट में उछाल। आरबीआई ने बताया कि साल दर साल सर्विस, सॉफ्टवेयर, बिजनेस और ट्रैवल एक्सपोर्ट में 4.2% की ग्रोथ हुई है। इसके चलते नेट सर्विस रिसीट भी बढ़ा है। इसका मतलब गुड्स और सर्विस सेक्टर में जितना पैसा बाहर से आया उसकी तुलना में कम पैसा देश के बाहर गया है। ये किसी देश के टोटल इंटरनेशनल व्यापार का रिकॉर्ड रखने वाले कंपोनेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट है। इसके जरिए देश ये पता लगाते हैं कि उनके देश से विदेशों में बेचे गए गुड से कितनी आमदनी हुई है और विदेशों से सामान इंपोर्ट करने में उन्हें कितना खर्च करना पड़ा है। अगर एक्सपोर्ट से कमाई गई आमदनी इम्पोर्ट के लिए किए गए खर्च के मुकाबले कम होती है तो इसे करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाता घाटा कहते हैं। वहीं अगर इंपोर्ट के लिए किया गया खर्च एक्सपोर्ट से हुई आमदनी की तुलना में ज्यादा है तो इसे करंट अकाउंट सरप्लस कहा जाता है। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग बिगड़ते ट्रेड बैलेंस, तेल की बढ़ती कीमतों और इंपोर्ट में बढ़ोतरी की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट फिर से बढ़ने की आशंका है। ये घाटा जितना बढ़ेगा उसका मतलब ये होगा कि भाई भारत को अपने इंपोर्ट पर खर्च के लिए और ज्यादातर डॉलर की जरूरत पड़ेगी। भारत की ऑयल कंपनियां पहले ही बड़े पर डॉलर खरीद रही हैं। यह जरूरत जितनी ज्यादा बढ़ेगी रुपये पर दबाव उतना ही बढ़ेगा। अब आते हैं सवाल पर कि भाई रुपये के मामले में भारत क्या कर सकता है, हम रुपये को 83 से नीचे कैसे संभाल सकते हैं। What is India plan on rupees falling? एक रास्ता तो फिस्कल पॉलिसी की ओर से निकलता है, लेकिन उधर कुछ खास करने की गुंजाइश दिख नहीं रही। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अनुमान लगाया कि अमेरिका और यूरोप की ग्रोथ सुस्त पड़ी है। अमेरिका में एक महीने पहले की तुलना में कोर इन्फ्लेशन में 0.3% का उछाल आया है। विकसित देशों में महंगाई 4 दशकों के ऊंचे स्तर पर है। वहां मंदी आने का खतरा बढ़ गया है, लिहाजा वहां भारत के गुड्स और सर्विसेज की डिमांड घटी है। देश में डिमांड बढ़ाकर इसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन कुछ हद तक ही। ऊंची महंगाई के बीच देश में चीजों और सेवाओं की डिमांड बढ़ाने के लिए टैक्स घटाना होगा। इससे चीजों और सेवाओं की डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमी सस्टेबल होगी। अब ऐसा होने पर भारत के बारे में विदेशी इन्वेस्टर्स का भरोसा भी मजबूत होगा, लेकिन टैक्स घटने से सरकार के रेवेन्यू पर असर पड़ेगा। वैसे भी आम बजट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.9% के आसपास रहेगा। अभी कर्ज का स्तर भी बहुत बढ़ गया है। सरकारी कर्ज और जीडीपी का रेशियो लगभग 90% हो चुका है। 2022-23 में सरकारों का कुल कर्ज सकल घरेलू उत्पाद का 86.5% था, जो पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा में से एक है। इन हालात को देखते हुए सरकार के पास राजकोषीय मदद देने की गुंजाइश बहुत कम रह गई है। एक और रास्ता है विदेशी मुद्रा भंडार के इस्तेमाल का। डॉलर की बढ़ती डिमांड का दबाव घटाने के लिए आरबीआई डॉलर बेचे। आरबीआई ने ऐसा किया भी है, लेकिन इससे बात तो नहीं बनी। उल्टे साल भर में विदेशी मुद्रा भंडार करीब 110 अरब डॉलर घट गया। अब जाकर आरबीआई ने डॉलर बेचने से कुछ परहेज शुरू किया है। दरअसल मौजूदा हालत में विदेशी मुद्रा भंडार के इस्तेमाल से कुछ होने वाला भी नहीं है। देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट अगर मामूली होता तो डॉलर बेचने से कुछ मदद मिल सकती थी, लेकिन मामला ऐसा है नहीं भाई। खैर, एक रास्ता और है। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ रही हैं, तो विदेशी इन्वेस्टर्स यहां से पैसे निकाल रहे हैं। इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आरबीआई भी ब्याज दरें बढ़ाता रहे, लेकिन दिक्कत यह है कि भाई अमेरिका फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर और 125 बेसिस पाउंड बढ़ाने का इंडिकेशन दिया है। भारत में इस तरह के इजाफे की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इससे इकोनॉमिक रिकवरी को बड़ा झटका लग सकता है। अब ऐसे में ठीक यही लग रहा है कि रुपये को सहारा देने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल ना किया जाए। आरबीआई रुपये की चाल में तब तक कोई दखल ना दे जब तक कि इसमें अचानक बहुत तेज गिरावट ना आए। बाजार के हिसाब से यह जहां तक गिरता है गिरने दे। इस रणनीति के फायदे भी हैं। एक फायदा तो यही है कि विदेशी मुद्रा भंडार के इतने बड़े इस्तेमाल की जरूरत नहीं रहेगी।
फॉरेन एक्सचेंज बचा रहेगा तो अचानक लगने वाले किसी भी बाहरी झटके से इकोनॉमी को बचाने में काम आएगा। एक फायदा ये हो सकता है कि रुपया नरम रहेगा तो इंडियन एक्सपोर्ट्स को फायदा मिलेगा। ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट घटाने के लिए इम्पोर्ट घटाने के साथ साथ एक्सपोर्ट्स बढ़ाना भी जरूरी है। ग्लोबल मार्केट में चीन का दबदबा कुछ घटता दिख रहा है, उस जगह को भरने के लिए सरकार को एक्सपोर्ट्स पर सब्सिडी देने जैसे कदम उठाने होंगे। लेकिन रुपये में कमजोरी इस मामले में कहीं ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। हालांकि रुपये में कमजोरी बढ़ने से महंगाई को और हवा मिल सकती है, क्योंकि रुपया जितना कमजोर होगा ना भाई, इंपोर्ट की जाने वाली चीजों की लागत उतनी ज्यादा होती जाएगी। लेकिन महंगाई के मामले में इस पहलू का बड़ा असर तब तक नहीं पड़ेगा जब तक कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी सख्त बनी रहेगी। कुल मिलाकर इस स्ट्रेटेजी में फायदा ज्यादा है, नुकसान कम। और अच्छी बात तो ये है कि भाई आरबीआई अब ऐसी राह पर आ चुका है, अब यहाँ से आगे अमेरिकी फेडरल रिजर्व जब तक रेट बढ़ा तो रहेगा तब तक रुपये पर दबाव बना रहेगा। आरबीआई को इसमें दखल नहीं देना चाहिए और मार्केट के हिसाब से रुपये को एडजस्ट होने देना चाहिए। ध्यान केवल इतना रखना होगा कि रुपया इतना कमजोर ना हो जाए कि इम्पोर्ट बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन जरा सोचो, अगर रुपये की कीमत कम होने की बजाय बढ़ जाए और एक रुपया यूएस के एक डॉलर के बराबर हो जाए तो क्या होगा? इफ वन रुपी बिकम्स इक्वल टू वन डॉलर। देखिए दोस्तों, जिस दिन इंडियन रुपये की कीमत यूएस डॉलर के बराबर हो जाएगी ना, तो भारत को सबसे ज्यादा प्रॉफिट उन चीजों पर होगा जिन्हें भारत इंपोर्ट करता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सामान को खरीदना बहुत सस्ता हो जाएगा। इसे एक एग्जांपल से समझिए। जैसे एक आईफोन 15 की कीमत इंडियन मार्केट में लगभग 80,000 है, वहीं इसकी कीमत अमेरिका में मुश्किल से $950 है। मतलब अगर रुपये और डॉलर की कीमत बराबर हो जाएगी तो हम केवल ₹950 में आईफोन 15 खरीद पाएंगे। केवल आईफोन ही नहीं बल्कि और भी कई चीजें, जैसे पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सॉफ्टवेयर और वो सभी सामान जिन्हें भारत दूसरे देशों से खरीदता है, उनकी प्राइसेस में कमी आएगी, क्योंकि फिर इंडिया को ये सामान खरीदने के लिए जो है 83 गुना ज्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके केवल प्रॉफिट्स ही होंगे बल्कि डॉलर और रुपए की कीमत समान होने पर इंडिया को कई नुकसान भी झेलने पड़ेंगे। जैसे इंडिया में जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, ज्यादातर यूएसए, यूके और कनाडा द्वारा इंडिया में ओपन की गई हैं, वो सभी बंद हो जाएंगी। दरअसल रुपए की कीमत कम होने की वजह से इन्हें अभी लो प्राइस पर काम करने के लिए वर्कर्स मिल जाते हैं, लेकिन रुपए की कीमत यूएस डॉलर के बराबर हो जाने पर इस लो प्राइस पर कोई काम नहीं करेगा, जिससे इंडिया में ये सभी कंपनीज बंद हो जाएंगी। परिणाम स्वरूप इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो जाने के कारण विदेशों से भारत में आने वाला पैसा एकदम बंद हो जाएगा। इसका प्रॉफिट पाकिस्तान को मिल सकता है, हो सकता है सभी कंपनीज इंडिया से पाकिस्तान ही चली जाएं। एक रुपये एक यूएस डॉलर के बराबर होने से जो चीजें अभी हम सस्ते में एक्सपोर्ट कर रहे थे वो सभी महंगी हो जाएंगी, जिससे कोई भी भारत की अपेक्षा किसी और देश से सामान खरीदना चाहेगा जहां से उसे सस्ता माल मिलेगा। विदेशों से आने वाले टूरिस्ट में रिडक्शंस होगा, क्योंकि अभी जिनको इंडिया सस्ता लगता है उन्हें इंडिया कॉस्टली लगने लगेगा। एक डॉलर एक रुपए के बराबर होने पर इंडियन गवर्नमेंट को मिलने वाले टैक्सेस पर एक बुरा असर भी पड़ेगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने और बाहर की कंपनीज का इन्वेस्टमेंट घटने की वजह से प्रोडक्शन में कमी आएगी, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो भाई गवर्नमेंट को उतना टैक्स भी नहीं मिलेगा जिसका इफेक्ट गवर्नमेंट रेवेन्यू पर पड़ेगा। नाउ व्हाट डज द स्ट्रेंथ ऑफ करेंसी डिपेंड ऑन? हालांकि डॉलर की हिस्ट्री को देखते हुए तो ऐसा नहीं लगता कि एक रुपये की कीमत अमेरिका के एक डॉलर के बराबर होगी। किसी भी कंट्री की करेंसी की स्ट्रेंथ दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो प्रोडक्टिविटी ऑफ द पीपल पर, मतलब किसी कंट्री के लोग अदर कंट्री के लोगों की तुलना में कितना अधिक प्रोडक्शन करते हैं, और दूसरा इन्फ्लेशन पर। अगर प्रोडक्शन कम है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, जिससे करेंसी की डिमांड और वैल्यू बढ़ेगी। वहीं प्रोडक्शन ज्यादा है तो लो इन्फ्लेशन यानी मंदी आएगी, जिससे करेंसी की डिमांड और वैल्यू कम होगी। अगर अमेरिका की करेंसी इंडिया की करेंसी की तुलना में लगातार लो इन्फ्लेशन से होकर गुजरती है और लगातार कई सालों तक ऐसी सिचुएशन बनी रही, तो अमेरिका की करेंसी की वैल्यू बहुत नीचे गिर जाएगी, जिससे होगा ये कि भाई जहां इंडिया में तो एक व्यक्ति की सैलरी 50,000 ही रहेगी, वहीं अमेरिका में भी लो इन्फ्लेशन की वजह से वहां के एक व्यक्ति की सैलरी $50,000 होगी। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया का एक रुपया अमेरिका के एक डॉलर के बराबर हो सकता है। हालांकि अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है जबकि इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो एक रुपये इज इक्वल टू एक अमेरिकी डॉलर की सिचुएशन इंडिया के लिए अच्छी नहीं है। इंडियन रुपये की वैल्यू बढ़नी चाहिए
लेकिन एकदम से चेंज नहीं होने चाहिए, बल्कि प्रोडक्टिविटी और डिमांड को बढ़ाकर भारत को इंडियन रुपये की वैल्यू को मजबूत करने की जरूरत है। खैर, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आप ऐसे ही टॉपिक्स पर और भी वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।